माँ जी खूबसूरत खूबसूरत। ओए पुत्र, ये तो सबको पता है मैं खूबसूरत हूँ, तो इसमें रोला डालने की क्या जरूरत है। अरे मोमो, ये तुमने क्या कर दिया है? अरे किन को मार दिया है तुमने? ये डाकू वाकू नहीं है, अरे ये इस घर के पुराने किराएदार है। क्या इसका मतलब है कि आप लोगों ने बेचारे शरीफ लोगों को बेहोश कर दिया? एक डंडा तुझे भी लगाऊं? ओ माँ जी, ये बहुत बड़े बदमाश हैं। हम लोगों ने बड़े खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया है। शुक्र है खुदा का कि मैंने कुछ नहीं किया। आइडिया तुम्हारा था और डंडा तुम्हारी माँ ने मारा है, इस लिहाज से तुम दोनों मुजरिम हो। मेरा बीच में कुछ नहीं है। क्यों खूबसूरत? जी महमूद साहब। जानू चल अपने बिल। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। अगर इन दोनों को होश आ गया तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। ओ भाई मेरे, ओ यार महमूद साहब, अब हम लोग क्या करेंगे यार? अब तुम्हारी झलाई होगी नबील। तो तुम चुप करो, जाओ हम साइंस ईद मिल के आओ। बेटा चांदी तुम भी साथ जाओ इसके। हाँ, और कम से कम 500 रुपए ही दी लेना, जान अजाब कर देना उनकी। ठीक है महमूद साहब, जाओ जाओ जाओ, शाबाश। चल पुत्र, ये लाशें ठकाने भी लगाते हैं। ओ माँ जी, ये मरे नहीं है यार, सिर्फ बेहोश हुए हैं। चले मोमो जाओ, तुम पानी लेकर आओ। क्या हूँ आपको डूब के मरना है? अरे डूब कर नहीं मरना, इन्हें होश में लाना है। अच्छा, तिरोकी लगाने? हाँ। और एक बात सब याद रखे, इन्हें डंडा हमने नहीं मारा। आए शकील के बच्चे, तू मेरी अनाम की रकम हपड़ना चाहता है? ओ माँ जी, कौन सा इनाम, उल्टा हमारी शामत आ जानी है। जाए जल्दी से पानी लेके आए। जाओ जाओ जाओ। और जाए जल्दी से जाए महमूद साहब। और मैं बहुत बहादुर हूँ बच्चू, तुझे तो पता ही नहीं है। अबे कौन नरगिस, और तुम लोग हो कौन, और हमें मारा किसने? ये मेरा चाकू किधर है? देखिए हमें नहीं मालूम, हम तो खुद अभी आए हैं। हम लोग जब यहाँ आए थे तो आप लोग बेहोश थे, हमें लगा आप लोग शरीफ लोग हैं, इसीलिए तो हमने आपकी मदद की है। हाँ, हम यहाँ के नए किराएदार हैं, अब हम यहीं रहेंगे। क्या? हाँ काली भाई, अगर आपकी इजाजत हुई तो। हमें, मेरे को लग रहा है तुम लोगों ने हमको मारा है। जिसने भी ये हरकत की मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे नस्लें तबाह कर दूंगा उसकी। नस्लें नहीं, फसलें खत्म होती हैं काली भाई। मुझे इस मक्कार आदमी के सर की कसम है, हमने नहीं मारा आपको। नहीं नहीं, मैंने मारा था। मच्छर मारा था माँ जी ने, डेंगू मच्छर मारा था, कहीं वो आपको काट ना ले। बड़ी रहम दिल है मेरी माँ। हाँ मेरा निशाना भी बहुत अच्छा है। क्या जी? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लो जी, इन फकीरों ने ईद वाले दिन भी दाल ही बनाई है। अच्छा भाई, जो भी बनाया था अब आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाए ना, क्योंकि हमने अपना सामान भी सेट करना है। कुछ सामान तो कर ही ले आए थे हम। हम चले जाए? अबे हम तो ये घर एक हफ्ते के बाद छोड़ने वाले थे, और वो भी इसलिए कि मालिक मकान ने हमारे हाथ पैर जोड़े और 8 महीने का किराया भी माफ किया, वरना तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि ये घर हमसे खाली करवाता। उशवशी पुत्र, ये तो धमकी दे रही है, मारो इसको फिर से। क्या ताली ताली मारने का कह रही है? दरअसल मोमो को ना हर बात पे ताली मारने की आदत है। क्यों मोमो? पहले ताली फिर। देखिए काली भाई, आपको हमारी भाभी की कसम है, हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दे, ईद वाले दिन हम कहाँ ख्वार होते फिरेंगे। अब बकवास बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना के ला के दो, बाद में तय करेंगे क्या करना है तुम लोगों के साथ। मैं चाय नहीं बनाऊंगी। कहाँ गया मेरा चाकू? नहीं भाभी, आप माइंड क्यों कर दी है जानू? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हम चल के चाय बनाते हैं, भाई के सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई, हम यहाँ खड़े होके क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो सारे चाय बनाने में मदद करो। मैं कोई चाय बाय नहीं बनाऊंगी, मैं भी से बता रही हूँ। चुप कर जा शनास, ये सब तेरी वजह से हुआ है। डंडा आपने मारा था माँ जी, और जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है। तेरा सांड पापा, अगर हमें अच्छा सा घर लेते थे ना तो ये नहीं होना था कभी। ओ खुदा के वास्ते लड़ना बंद करें यार, अच्छी चाय बनाए, हम उन लोगों को नाराज नहीं कर सकते। अगर उन्हें पता चल गया ना कि डंडा हम में से किसी ने मारा है, हम में से नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। नबीले काम क्यों ना करें, चाय में जहर मिला देते, कैसा आइडिया है? बड़ा ही जहरीला आइडिया है महमूद साहब। अरे लो, अभी खुद ही तो तुम कह रहे थे कि उनसे हमें जान छुड़ानी है। बस कर दे, मैं कत्ल करूंगा, मैं, हम लोग खानदानी है, मैं और माजी। क्यों माजी? चल एक मिनट हो गया, मेरी बारी है। दबा ना। अबे हो गया ना, एक मिनट। ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी।
आप लोग चाय पिए। किलकिल भाई आप आराम से चाय पिए, हम जरा कमरे देख लें। मैं मास्टर बेडरूम लूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मास्टरानी वाला बेडरूम ले लूंगी। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? वो हम सोच रहे थे कि जाकर कमरे देख लें, अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं है ना। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। हसीना भाभी कुछ रहम करें, ईद वाले दिन हम दोनों बुड्ढे बेचारे कहाँ रुलते फिरेंगे। हमें यहाँ पे रख लें, अगर ये नबील जाने और इसकी बीवी जाने जहाँ मर्जी जाए। घटिया आदमी, दिखा दिया अपना असल रंग, बड़े मुँह वाले। चलो निकलो निकलो, तुम लोग नहीं रह सकते यहाँ पे, निकलो यहाँ से। मैं तो भूल गया बच्चों कैसे मारा था जुदे हैं। क्या बोला, क्या मारा था? अरे पानी मारा था, पानी मारा था। जब आप लोग बेहोश थे तो मेरी माँ ने पानी के त्रौंके मारे थे, उसके बाद मैंने मारे थे त्रौंके, तब आप लोग को होश आई। आप लोग को मेरी माँ की नेकी याद नहीं है? अच्छा अच्छा बस रोना बंद करो, जाओ जाके लाउंज में जाके टेंट लगाओ, जाओ चलो। यार नबील तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? ओ जानू, बंदा हर वक्त हर जगह तो रोमांटिक नहीं हो सकता ना। शट अप नबील, मैं उन ढीठ किराएदारों की बात कर रही हूँ जो हमें हमारे घर से निकाल कर खुद अंदर मजे से बैठे हुए हैं। जानू तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा इकलौता शौहर उन जालिमों को हाथों मारा जाए? यार नबील ये फजूल बातें छोड़ो यार, ये सोचो कि हमने अंदर कैसे जाना है। अरे अगर रात यहाँ बाहर लॉन में गुजारनी पड़ गई तो ये मच्छर काट काट के हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे यार। ओ बस कर दे महमूद साहब, आपको किस मच्छर ने काटना है? लास्ट टाइम जिस मच्छर ने आपको काटा था ना, वो खुद मच्छर डेंगू से मरा है यार, इतना जहरीला खून है आपका। मुस्तकीम ठीक कह रहे हैं शकील पुत्र, कोई कुछ कर, मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे वो हसीना आ गई है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कितने बेवफा और बेहया आप निकले हैं, आदमी इतनी हसीन बीवी के होते हुए तो उस चड़ैल के पास जा रहे। अरे मोमो, मैं उसके पास जाके हाथ जोड़ूंगा, पांव पड़ूंगा कि किसी तरह हमें अंदर जाने दे। मसूद मैं आपको वो दे रही हूँ। क्या धमकी? ओ माँ जी हद होती है कसम से यार। हाँ हाँ कसम कसम, मैं आपको कसम दे रही हूँ जुल्फकार कि आप उस चुड़ैल की तरफ गलत नजरों से नहीं देखेंगे। तो यार यबलियां मत लगाओ, चलाओ तुम भी उठो मेरे साथ चलो। आइए मामू साहब आइए, आज वो आज वो आज वो। सीना जी कैसी हैं आप? आपसे एक दरख्वास्त करनी थी, अगर आप हमें अलाउ करें और इजाजत दें तो, और घर के किसी कोने में रात गुजारने के लिए अगर आप हमें अलाउ कर दें, हमारे छोटे छोटे बच्चे। चुप करो, तुम लोग जितने शक्ल से बेवकूफ लगते हो ना उतने हो नहीं। मुझे तो अभी भी शक है कि तुम लोगों ने ही हमें मारकर बेहोश किया था। मैं? हसीना जी मैंने तो आज तक बचपन से मक्खी नहीं मारी, और ये इसका मैं आपको क्या बताऊं, ये तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, इसको डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ एक महीना दिया हुआ है। जी ये सच कह रहा है? जी जी जी, आपको मेरे चेहरे के नूर से पता नहीं चल रहा। ठीक है मैं तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब हमें हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अबे सुन तो ले पहले, जब तक तुम लोग इस घर में रहोगे तुम दोनों की बीवियाँ इस घर का खाना पकाएंगी और तुम लोग सफाई करोगे, समझ गए? शर्त मंजूर है कि नहीं? हमें मंजूर है। हाँ मंजूर है मंजूर है, मगर एक बात याद रखना, तुम लोग अगर मुझे खाना पसंद ना आया तो तुम दोनों की बीवियों के हाथ काट दूंगी मैं। क्या? महमूद साहब काटने दे यार, काटने दे। ओके डन है सीना जी, डन है। हाँ जी।